कहते हैं डोनेशन जब उल्टे हाथ से किया जाए तो सीधे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। सो दिस इज दीपेश मनोराने विद यू और उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम समझने वाले हैं कॉमर्स रिलेटेड बहुत सारी बातें। इट मीन्स नॉलेज का और ज्ञान का भंडार यहाँ पर मिलने वाला है। किससे रिलेटेड? कॉमर्स रिलेटेड। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सीधी सी सिंपल सी प्यारी सी बातें करने वाले हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। सर आज का टॉपिक कि हमारा CSR का फुल फॉर्म क्या होता है। CSR stands for corporate social responsibility। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? corporate social responsibility। पहले के टाइम में बोला जाता था कि दान जब करो, डोनेशन जब करो, कंट्रीब्यूशन जब करो, तब किसी को बताओ मत। बट आज के टाइम में थोड़ा सा डिफरेंट है। आज के टाइम में ये बोला जाता है सर कि यहाँ पर अगर आप डोनेशन नहीं करोगे तो हम आपसे ज़बरदस्ती करवाएंगे। इट मीन्स कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस बनी हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, जहाँ पर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप उस प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को क्रॉस करते हैं तो। अब वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट क्या है वो आज की वीडियो में आज के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं। क्या है फुल फॉर्म सर? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर है हमारे पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका फुल फॉर्म। तो यहां पर CSR समझना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? जब कोई कंपनी एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा अपना नेटवर्थ शो करती है, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा अपना टर्नओवर शो करती है, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा अपना नेट प्रॉफिट शो करती है, तब उस कंपनी को अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 कुछ पार्ट है ना सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, सो इन दैट केस यहाँ पर सोसाइटी में कितना पार्ट कंट्रीब्यूशन होगा और किस केस में होगा वो हम समझने वाले हैं। तो CSR का कंसेप्ट कहाँ पर दिया हुआ है? यहाँ पर देखो, CSR का जो कंसेप्ट है वो दिया हुआ है सेक्शन 135। कौन सा है? 135 है, सेक्शन 135 किसका सर? सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो सेक्शन 135 है कंपनीज एक्ट का 2013 का, वहां पर ये हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है किसका? CSR का, जहां पर हर कंपनी को नेसेसरी है कि आप क्या करो, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो। नाम सुना होगा आपने रतन टाटा का, मार्क जकरबर्ग का, बिल गेट्स का, ये सारे लोग क्या करते हैं सर? कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में। ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी कंपनी में CSR वाला क्लॉज एप्लीकेबल होता है, अगर वो इंडियन कंपनी है तो। ओके, सो इन दैट केस हम समझते हैं थोड़ा सा और आगे कि CSR के लिए मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगा देते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना कब होगा। सो इन दैट केस माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज एक्ट के लिए अकॉर्डिंग है ना, सारी कंपनीज कौन सी? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्राइवेट कंपनी है या फिर जो भी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट मीन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हम इसको क्या बोलते हैं? PVT LTD। जो भी PVT LTD है और पब्लिक लिमिटेड है उस पर ये एप्लीकेबल होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे, PVT LTD पे, या फिर सिर्फ LTD जिसको हम बोलते हैं पब्लिक कंपनी, उस पर ये क्लॉज, उस पर ये सेक्शन, उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल है। किस पे? प्राइवेट पे एंड पब्लिक पे। नाउ प्राइवेट पे और पब्लिक पे कब एप्लीकेबल होगा? When they cross the prescribed limit. Now what is the prescribed limit? अब ये prescribed limit क्या होगी? एक limit set की गई है, उससे अगर ज़्यादा का क्या होगा? Networth होगा। मैंने अभी आपको समझाया था, उससे ज़्यादा का क्या होगा? Networth होगा एक कंपनी का, या फिर turnover होगा
या फिर नेट प्रॉफिट होगा, या फिर नेट प्रॉफिट होगा। क्लियर? अगर ये जो लिमिट मैं आपको यहां पर लिखाने वाला हूं, ये जो लिमिट मैं यहां पर लिखाने वाला हूं, अगर उससे ज्यादा या उतना यहां पर एक कंपनी का नेटवर्थ है, टर्नओवर है, या फिर नेट प्रॉफिट है, सो इन दैट केस यहां पर कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। ये जो कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट मतलब कि कंपनी जो रिस्पॉन्सिबल है किसकी तरफ, सोसाइटी के टूवर्ड्स कंट्रीब्यूट करने के लिए। सोसाइटी के टूवर्ड्स कंट्रीब्यूट करने के लिए कंपनी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो यहां पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिमिट क्या है सर, व्हाट इज द एक्चुअल लिमिट अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, और कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, देन हाउ मच परसेंटेज है ना, तो यहां पर परसेंटेज कितना होगा कॉन्ट्रीब्यूशन का। सो इन दैट केस अगर नेटवर्थ कंपनी का 500 करोड़ और ज्यादा है, 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, नेटवर्थ एक कंपनी का 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, टर्नओवर अगर उस कंपनी का 1000 करोड़, टर्नओवर अगर उस कंपनी का 1000 करोड़ और मोर उससे ज्यादा है, और नेट प्रॉफिट उस कंपनी का कितना है सर, 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा, 5 करोड़ और मोर, तो यहां पर अगर किसी भी कंपनी, वेदर इट इज अ प्राइवेट कंपनी, अगर वो प्राइवेट कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है, तो यहां पर निजी कंपनी है या फिर सार्वजनिक कंपनी है, दोनों ही केसेस में अगर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा, 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा जाती है, टर्नओवर 1000 करोड़ या फिर उससे ज्यादा जाता है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और उससे ज्यादा जाता है, तब उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, उनको सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सर कॉन्ट्रीब्यूट कितना करना पड़ेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, ये जो कंपनी है ना ये कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी, ये कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी 2%, कितना करेगी 2%। नाउ 2% सर किसका, 2% किसका, ये जो 2% है वो किसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, यहां पर सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट कितना करना है, 2% कॉन्ट्रीब्यूट करना है, बट ये 2% होगा किसका सर, है ना, तो 2% का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 2% होगा सर नेट प्रॉफिट का। सर नेट प्रॉफिट कौन सा, ये करंट ईयर वाला नेट प्रॉफिट नहीं, ये नेट प्रॉफिट करंट ईयर का नहीं होगा, ये जो नेट प्रॉफिट होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, वो एवरेज प्रीसीडिंग 3 इयर्स का होने वाला है, किसका होना है, एवरेज प्रीसीडिंग 3 इयर्स, मतलब कि पिछले तीन कंटिन्यूस सालों का, ऐसा नहीं कि 2020 चल रहा है तो पिछले 3 साल हमने 15, 14 और 16 ले लिया है ना, 14, 15, 16 ले लिए, वो नहीं लेने, अगर अभी 2020 चल रहा है तो नेक्स्ट प्रीसीडिंग 3 इयर्स कौन से होंगे, 19, 18 ओके या फिर 17, ये 3 होंगे। क्लियर? 17, 18 और 19, तो नेक्स्ट प्रीसीडिंग 3 इयर्स का जो भी नेट प्रॉफिट है, उसका एवरेज फाइंड करना है, और उस एवरेज का कितना फाइंड करना है, 2% फाइंड करना है, तो यहां पे मैं एक लाइन लिख रहा हूं, 2% ऑफ व्हाट, 2% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ एवरेज प्रीसीडिंग थ्री इयर्स। समझे? सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर 2% का कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा कॉन्ट्रीब्यूशन, जब यहां पर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नेटवर्थ वाली, टर्नओवर वाली और नेट प्रॉफिट वाली। अगर यहां पर कंपनी इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो कंपनी क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी कहां पर, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेगी 2%। नाउ द क्वेश्चन अराइज, सर सोसाइटी में मतलब गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करेगी, नहीं सर गवर्नमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, जैसे रिलायंस का नाम सुना होगा, तो रिलायंस ने अपना रिलायंस फाउंडेशन खोल रखा है, तो वो CSR का पार्ट है, वहां पर बहुत सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, तो वो रिलायंस फाउंडेशन क्या है, वो CSR के अकॉर्डिंग ओपन किया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सोसाइटी में कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बट वो कितना होना चाहिए, वो 2% होना चाहिए, किसका 2% होना चाहिए, वो 2% होना चाहिए नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट कौन सा सर, पिछले 3 साल के जो नेट प्रॉफिट है उसका एवरेज का 2% होना चाहिए। नेट प्रॉफिट किसका सर, नेट प्रॉफिट ऑफ एवरेज प्रीसीडिंग 3 इयर्स का
2% फाइंड करना है, क्लियर है? अभी एक एग्जांपल से समझेंगे। उससे पहले एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्या सर, ये जो नेटवर्थ लिखा हुआ है, दैट ये जो नेटवर्थ वर्ड लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? नेटवर्थ का मीनिंग होता है कंपनी की एसेट को बेचकर और लायबिलिटीज को सेट ऑफ करने के बाद आज मेरे पास कितना पैसा बचता है, दैट इज कॉल्ड मेरी नेटवर्थ। कंपनी की जो एसेट है उसकी एक्चुअल वैल्यू आज कितनी है, वो होती है मेरी नेटवर्थ। टर्नओवर का जनरली एकदम सिंपल टर्म्स में मीनिंग होता है सेल्स, कि इस पूरे साल में कंपनी की सेल्स कितनी हुई, ठीक है? नेट प्रॉफिट आपको पता है शुद्ध लाभ, कंपनी का लाभ कितना है, सारे एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद एक्चुअल हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा है, ओके? तो यहां पर ये पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है, अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो यहां पर ये पॉइंट्स हम ध्यान रखेंगे, क्लियर? अब यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, कैसे कैलकुलेट करना है 2%। देखो, अगर एक कंपनी है उसने ये प्रिस्क्राइब लिमिट जो मैंने बताई, वो जो मैंने प्रिस्क्राइब्ड लिमिट बताई, जो मैंने लिमिट बताई, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट कंपनीज एक्ट में है, जो उसको उसने क्या कर दिया है, एकदम एप्लीकेबल कर दिया है, वो प्रिस्क्राइब लिमिट क्रॉस कर दी है। तो इन दैट केस यहां पर प्रिस्क्राइब लिमिट क्रॉस कर दी है, तो यहां पर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर 2% फाइन करना है, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रिसीडिंग 3 years, ऑफ प्रिसीडिंग 3 years, पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट का एवरेज। सपोज दैट यहां पर नेट प्रॉफिट था, यहां पर हमारे पास 17 के अंदर 2 lakh, ठीक है, 2018 के अंदर 3 lakh, और 2019 के अंदर हमारे पास था सर 5 lakh। कितना हो गया हमारे पास, 2019 के अंदर था हमारे पास कितना सर, 4 lakh। तो यहाँ पर हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना हो गया पिछले 3 साल का, 2 lakh प्लस 3 lakh प्लस 4 lakh, कितना हो गया यहाँ पर, अगर हम एवरेज फाइंड करेंगे तो 2 lakh प्लस 3 lakh प्लस 4 lakh डिवाइड बाय, हम 3 years का फाइंड करना चाहते हैं तो 3, तो कितना हो गया, 2 + 3 + 4 इज इक्वल्स टू 9 lakh, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो यहाँ पर एवरेज कितना आ गया, 3 lakh। अब इस 3 lakh का ये जो मैंने एवरेज नेट प्रॉफिट फाइंड किया है, ये जो मैंने एवरेज नेट प्रॉफिट फाइंड किया, कैसे फाइंड किया, जब मेरे पास पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट था, पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट मैंने देखा, पिछले 3 साल का मैंने नेट प्रॉफिट देखा और यहां पर मुझे पता चला। अब यहां पर आपका क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, सर यहां पिछले 3 साल का प्रॉफिट 2 lakh 3 lakh 4 lakh कैसे, यहां पर मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए लिया है। वैसे आप यहां पर 2 crore 3 crore 4 crore भी लिख सकते हो, ओके? तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 crore 3 crore और 4 crore भी लिख सकते हैं आप, 2 crore 2 cr 4 cr 3 cr and 4 cr ये भी लिख सकते हैं। तो यहां पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा सर, यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा cr, क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, यहां पर ऑटोमेटिकली सीआर आ जाएगा, तो 3 crore। यहां पर एवरेज नेट प्रॉफिट क्या आया पिछले 3 साल का, है ना, एवरेज हमने फाइंड किया 3 crore rupees। तो 3 crore rupees का आप क्या फाइंड करना है, 2% फाइंड करना है ऑफ दिस 3 crore, और ये जो 3 crore का ना आएगा 2% हमारे पास, यहां पे जो 3 crore का 2% अगर हम फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, वो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कहां पर, कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर CSR कॉन्सेप्ट होता क्या है। ये CSR में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज एक्ट में सेक्शन 135 गिवन है, सेक्शन 135, और यहां पर हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये गिवन है। तो ये सारी बातें हमने क्लियर कर दी है, ये सारी बातें हमने शानदार तरीके से क्लियर कर दी है, और आज का ये जो टॉपिक था वो भी एकदम अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। तो एक बार जल्दी से इसको देख लीजिए कि CSR में हमने क्या समझा। CSR में कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक, दोनों पे एप्लीकेबल है। कब एप्लीकेबल होगा, जब ये प्रिस्क्राइब्ड लिमिट जो मैंने बताई है उसको क्रॉस कर जाते हैं। तो नेटवर्थ कितना 500 crore, टर्नओवर कितना 1000 crore, नेट प्रॉफिट कितना 5 crore या फिर उससे ज्यादा होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा सोसाइटी के अंदर, 2% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा सोसाइटी के अंदर, 2% किसका सर, किसका, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज। तो हम वो जो भी परसेंटेज आएंगे हमारे पास कैलकुलेट करके अमाउंट आएगा, वो हमें क्या करना है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है। अंडरस्टूड? सो माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी और शानदार टॉपिक के साथ कॉमर्स नॉलेज को लेकर। तो माय डियर फ्रेंड्स, एंड यहां पर आपको क्या रखना है, टिल देन यू जस्ट हैव टू रिवाइज, और कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
थैंक यू।